السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم الفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاكم النذير फ़दको फमारमीन अमिन महतरम दीनी ओमिल भाइयों नौजवान साथियों बुज़ुर्गों वक्त ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और वक्त तो सबको मिलता है कम ज़्यादा लेकिन वक्त पाकर कामयाब वही शख़्स है जो वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वक्त की क़दर करता है और जो लोग वक्त की क़दर करते हैं ज़माना उनकी क़दर करता है उनको इज़्ज़त की निगाह से देखता है इसीलिए आप देखें कि वक्त के सही इस्तेमाल के बगैर इंसान ना तो दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है और ना ही आखिरत में कामयाब हो सकता है मगरबी यूरोप कंट्री के लोग आप देखें उनके अंदर लाख अखलाकी बुराइयाँ हों लेकिन वो वक्त के बड़े पाबंद होते हैं वक्त का वो सही इस्तेमाल करते हैं एक एक लम्हे का वो हिसाब रखते हैं और इसी वजह से दुनिया में ही सही ये दुनिया दारुल असबाब है और यहाँ जो भी असबाब का सही इस्तेमाल करेगा ये अल्लाह का कानून है ये अल्लाह का उसूल है कि वो कोई भी हो अल्लाह ने जो असबाब दुनिया में रखे हैं दुनिया को असबाब जो बनाया है उन असबाब का जो सही इस्तेमाल करेगा वो कामयाब होगा चाहे वो कोई भी हो तो वक्त की कदर करेंगे वक्त के सही इस्तेमाल किए बगैर इंसान ना तो दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है और ना ही आखिरत में कामयाब हो सकता है मैं सबसे पहले आखिरत की मिसाल दूँ कि देखिए जहन्नम में अक्सर वेशतर लोग वही होंगे जो वक्त की नाकदरी करने वाले होंगे जन्नत उनसे भरी होगी वक्त के कदर करने वालों से कुरान मजीद में अल्लाह ताला बड़ा ख़तरनाक मंजर बयान करते हुए कहता है जहन्नमियों का कि वहम यस तरी खून अफिया कि जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे और उनके इर्द गिर्द आग ही आग होगा वो चिल्लाएंगे चीखेंगे पुकारेंगे क्या पुकारेंगे क्या मुतालबा करेंगे वो अल्लाह से क्या मांगेंगे कहेंगे रबना ना नामल सालिहा साल लदी कुन्ना नामल कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें तो जहन्नम से निकाल निकाल दे जहन्नम से नामल सालिहन ग़ैर लदि कुन्ना नामल ताकि हम वो अच्छा काम करें जो हम नहीं करते थे नामल सालिहन ग़ैर ललदि यानी उसके अलावा जो हम करते थे दुनिया में दुनिया में तो हम बहुत काम करते थे दुनिया में तो हमने बहुत काम किया लेकिन हमने जो किया आज वो हमको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है लिहाजा हमको मोहलत दे अंदाज़ा लगाइए ऐसा नहीं था कि वो मसरूफ़ नहीं थे बिजी नहीं थे बहुत बिजी थे बहुत काम करने वाले थे बहुत दौड़ भाग करने वाले थे इसीलिए वो वहाँ कह रहे हैं कि नामल सालिहन लदी कन ना अमल। बड़ी बड़ी डिग्री आती बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की बड़ी तरक्या की लेकिन वहाँ जो उनको फ़ायदा पहुँचाने वाला काम था वो नहीं था इस वजह से कह रहे हैं कि मोहलत दे ताकि हम वो काम करें जो हम नहीं करते थे हमने कुछ और किया और हमको फ़ायदा आज कोई और चीज़ पहुँचाने वाला था वो हमने नहीं किया तो अल्लाह ताला उनको क्या कहेगा अल्लाह ताला उनके इस मुतालबे को रद्द कर देगा यहाँ चीखो पुकार से कोई फ़ायदा नहीं है अवालम नाय तदक करूफ़ी हिम तदक करा कि आज तुम वक्त मांगते हो मोहलत मांगते हो हमने तुमको उम्र दी थी हमने तुमको जिंदगी अदा की थी ताकि तुम नसीहत हासिल करो और इतनी उम्र दी थी कि अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता अपने आप को संभालना चाहता तो संभाल सकता था लेकिन तुमने क्या किया जाया कर दिया तुमने वक्त को जाया कर दिया बर्बाद कर दिया अब यहां पुकारने से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है नजीर और उम्र के साथ साथ हमने तुम्हारे पास डराने वाले भी भेजे थे तुमको याद दहानी कराने के लिए हमने अंबिया भेजे फिर उनके बाद उनके वारिसन ओलमा को भेजा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भेजी जो तुमको डरा सकते थे जो तुम्हारी याद दहानी करा सकते थे कि तुमको जाना कहाँ है तुम्हारी मंजिल क्या है तुम्हारा मकसद क्या है दुनिया के अंदर तुमको क्यों पैदा किया गया यह सेहत जिसको तुम हमेशा हमेशा इसके लिए समझते हो बीमारी देकर हमने तुमको डराया था कि सेहत को जवाल है गरीबी देकर हमने तुमको डराया था कि मालदारी को जवाल है बाल की सफेदी दे हमने तुमको डराया था कि उम्र ढल रही है डराने वाले बहुत आए कभी तूफान की शक्ल में आए कभी जलजले की शक्ल में आए कभी किसी और जगह पे अमनी खौफ और दहशत की शक्ल में आए लेकिन तुमने इन तमाम चीजों से इबरत हासिल नहीं की जिंदगी भी दी और जिंदगी में तुम्हारी असलाह के लिए हमने बहुत सारे रास्ते भी दिखाए तुमको लेकिन तुमने कोई फिक्र नहीं की तुमने सब कुछ जाया कर दिया उम्र को जाया कर दिया वक्त बर्बाद कर दिया इस वजह से मेरे भाइयों वक्त जो हम जया करते हैं ना उसको जिंदगी से हटा के मत देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम जये किए हुए वक्त को जिंदगी से हटा के देखते हैं जिंदगी एक और शय है वक्त एक और शय है हम ये समझते हैं साठ साल की जिंदगी चार घंटा आपने जाय किया मोबाइल इंटरनेट पर साठ साल की जिंदगी से आप चार घंटा माइनस कर दीजिए आज वक्त का सही इस्तेमाल मेरे भाइयों सबसे बड़ा चैलेंज है सबसे बड़ा चैलेंज वक्त की मिसाल इसीलिए बर्फ़ से दी जाती है कि बर्फ़ है दुकानदार खड़ा है उसको कितनी फिक्र होती है कि जल्दी बिक जाए कोई ले ले कोई ले ले वरना पिघल जाएगा बजट भी जाएगा और मुनाफा भी नहीं मिलेगा वैसे मेरे भाई वक्त है वक्त तो मिलता है एक को लेकिन ढलते रहता है जो इससे इस्तेमाल सही इस्तेमाल कर ले वही से वाकई में कामयाब हो जाएगा आज देखिए वक्त मैं कह रहा था वक्त का सही इस्तेमाल सबसे बड़ा चैलेंज है आज तरक्की के पीछे अगर किसी से राह चलते आम आदमी से पूछो तो कहेगा पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले ज़माने में कोई बीमार पड़ता था तो लेके जाना पड़ता था पहले ज़माने में सफ़र करना पड़ता था बड़ी मशक्क़ थी मेरे भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है रात चलते आदमी से पूछो ना तो जवाब देगा वक्त तो बहुत बचता है अरे तो वक्त बचता है तो बचा हुआ वक्त कहाँ जाता है आज एक पहले जो एक महीने का काम करते थे आज चार सात घंटे में होता है आठ घंटे में हो जाता है वो वक्त कहाँ जाता है आपका उसके बावजूद किल लेते वक्त की शिकायत है उसके बावजूद वक्त की शिकायत मेरे पास वक्त नहीं है माँ बाप की खिदमत के लिए वक्त नहीं है मेरे भाई और सोचिए उस पसे मंदिर को जरा में लाइए कि कब्र का काज हो रहा है जहन्नम की आग उनको तड़पा रही जला रही उस वक्त तो उनकी नज़र में कितनी अहमियत होगी वो तो सोचते होंगे अगर एक घंटा हमको मिल जाए तो एक घंटे में हम बहुत कुछ कर लेंगे माँ बाप की खिदमत कर लेंगे बीमार की बीमार पुरुसी कर लेंगे जिससे हमने गलती की खाता कि उससे माफी मांग लें वो क्या क्या एक घंटे के अंदर वो क्या क्या नहीं करने की सोचेंगे एक मिनट मेरे भाई एक मिनट मुसलमान के लिए कितना एक मिनट में एक आदमी कुफरे की दुनिया से इस्लाम की दुनिया में आ सकता है एक मिनट इतनी कदर इस्लाम के नजर में कुफर की दुनिया से इस्लाम की दुनिया में आ सकता है कुफर के दलदल से निकल के एक मिनट के अंदर वो इस्लाम के अंदर आ सकता है तो एक एक लम्हे की कदर कीजिए और वक्त का जो सही इस्तेमाल करेगा आखिरत में वही कामयाब होगा दुनिया के अंदर भी कामयाबी के लिए शर्त यही है कि आदमी अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे और अल्लाह इज़्ज़त ने, ने नेमत दी है ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन